Very morning to all. How are you? Okay, good. In previous classes, we discussed about the usage of shall will and shall be will be. It is a form of future tense. Today, we will discuss about the usage of future perfect tense. This is the third form of future tense. So, aaj hum log padhenge future perfect tense ke usage ke baare mein. Are you ready? Is it right? Good. तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब जिसको हम सहायक क्रिया बोलते हैं वो होता है शैल हैव या विल हैव. क्या होता है? शैल हैव या विल हैव. और हमारा जो मेन वर्ब होता है जिसको हम मुख्य क्रिया बोलते हैं वो होता है हमारा भी थ्री. क्या होता है? भी थ्री, जिसको हम बोलते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. मेन वर्ब के फाइव फॉर्म होते हैं ना, V1, V2, V3, V4 और V5. V1 क्या होता है? जो रूट फॉर्म होता है. V2, V3 क्या होता है? जो एडी या ईएन फॉर्म होता है. V4 क्या होता है? जो आईएनजी फॉर्म होता है. गुड. और V5 फॉर्म क्या होता है? इसमें हम एडजेक्टिव लगाते हैं. बहुत अच्छे, आप सभी को पता है. तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के तीसरे टाइप के बारे में जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस. आप लोग सभी तैयार है? Good. तो इस टाइप में हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या यूज करते हैं? शैल हैव या विल हैव. और मैन वर्ब क्या होता है? भी थर्ड. क्या होता है? भी थर्ड. अच्छा, गो का भी थर्ड क्या होगा? गॉन. अच्छा ठीक है. रीड का, स्टडी का, वॉक, वॉकड. वॉक का, वॉकड. लाव, लाफ्ड. वेरी गुड. सेंटेंस सुनोगे छोटे सा, मैं जा चुका होऊंगा. आई शैल हैव गॉन. वेरी गुड. मैं पढ़ चुका होऊंगा. आई शैल हैव रीड या स्टडी. स्टडी भी बोल सकते हैं. ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस सुनिए. क्या वह जा चुकी होगी? विल शी हैव गॉन. विल सी हैव गॉन. हमारा जो हैव होता है ना, इसको हम जस्ट संज्ञा के बाद पुट कर देते हैं. और जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है शैल विल, वो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आगे तो रहेगा ही. तो विल शैल हैव, विल सी हैव गॉन. क्या वह जा चुकी होगी? क्लियर? क्लियर? ओके. क्या मैं पहुंच चुका होऊंगा? शैल आई हैव रीड. क्या तुम लोग खा चुके होंगे? विल यू हैव इटन या इटन? इटन बोलते हैं. ओके. क्या आप लोग जा चुके होंगे? विल यू हैव गॉन. ओके. राधा और सीता पढ़ चुकी होगी. राधा एंड सीता विल हैव स्टडी या रीड. ओके. हम लोग भागलपुर जा चुके होंगे. वी शैल हैव गॉन टू भागलपुर. वेरी गुड. आशीष सर पटना जा चुके होंगे. आशीष सर वी हैव गॉन टू पटना. ओके. अगले सेंटेंस सुनिए. डिलीवरी सेंटेंस का आपसे पूछा गया था, क्या वह जा चुकी होगी? विल शी हैव गॉन. तुरंत आप लोग शांत हो जाते हैं. कुछ दूसरे को नहीं पूछा था, अभी जस्ट मैंने पूछा था. उसको रिपीट कर रहा हूं. क्या वह जा चुकी होगी? विल शी हैव गॉन. योर आंसर इज नहीं. नो, सी वॉन्ट हैव. विल नॉट को क्या बोलते हैं? वॉन्ट. पहले बता चुका मैं. विल नॉट को वॉन्ट और शैल नॉट को शैल. नो, शी वॉन्ट है. नहीं, वह नहीं जा चुकी होगी. ओके. नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम अगले महीने तक कालका से आ चुकी होगी? कालका एक प्लेस है. क्या तुम अगले महीने तक कालका से आ चुकी होगी? सुनिएगा. विल यू हैव कम बैक फ्रॉम कालका बाय नेक्स्ट मंथ? फिर से बोलता हूं, तोड़ तोड़ के ध्यान दीजिएगा. क्या तुम, तो तुम है तो विल लग जाएगा.
यूनियन आपको फिक्स है, उसके बाद आ चुकी होगी कम बैक, आना कम कम बैक, विल यू हैव कम बैक, कहां से? कालका से, फ्रॉम कालका अगले महीने तक, नेक्स्ट मंथ बाय नेक्स्ट मंथ, विल यू हैव कम बैक फ्रॉम कालका बाय नेक्स्ट मंथ, समझ में आ रही है? ओके, सेम सेंटेंस में दे रहा हूं, थोड़ा सा आप लोगों को बोलना है, क्या वह अगले महीने तक पटना से आ चुकी होगी? Will she have come back from Patna by next month? एक और सेंटेंस सुनिए किसी टाइप का, क्या हम लोग अगले महीने तक अमेरिका से आ चुके होंगे? Shall we have come back from America by next month? Okay, next sentence सुनिए, शेल इसी टाइप का, क्या राधिका अगले महीने तक दिल्ली से आ चुकी होगी? विल राधिका हैव आ चुकी होगी कम बैक, कहां से? फ्रॉम दिल्ली अगले महीने तक बाय नेक्स्ट मंथ, समझ में आ रही है? ओके, इस सेंटेंस को बोलिएगा, सभी को बोलना है, सब समझो, आप लोग को समझ में आ रही है क्या? मोहन और सोहन अगले महीने तक भागलपुर से आ चुके होंगे? वेरी गुड, विल मोहन एंड सोहन हैव कम बैक फ्रॉम भागलपुर बाय नेक्स्ट मंथ? ओके, योर आंसर इज हाँ, मैं तब तक वहां से आ चुका होऊंगा। यस आई विल, यस आई विल हैव कम बैक By then, तो इसका मतलब होता है कि हाँ मैं तब तक वहां से, तो तब तक का क्या होता है? By then, 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 by then, सुनिएगा, हाँ मैं अब तब तक वहां से आ चुका होऊंगा, तो yes I will have come back by then, मैंने आपको पहले बोला था कि फ्यूचर टेंस में अब सेल का वीक लगभग लगभग खत्म हो चुका है, सेल का वीक हम आई और वी के साथ में कितने इसको पुट करते हैं, शेल का ही यूज फुट करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, सॉरी वील का यूज फुट करते हैं, शेल का यूज खत्म हो चुका है, तो संजय था कि हाँ मैं तब तक वहां से आ चुका होऊंगा, तो यस आई विल हैव कम बैक बाय देन, समझ में आ रही है? ओके, एक फिर सेंटेंस ही कहता है हाँ हाँ मैं तब तक भागलपुर से आ चुका होऊंगा, यस आई विल हैव कम बैक फ्रॉम भागलपुर बाय देन, तब तक ही है ना, तो बाय देन, ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या कल किस समय तक तुम परीक्षा दे चुकी होगे? क्या कल किस समय तक तुम परीक्षा दे चुके होगे? सुनिएगा, विल यू हैव टेकन योर टेस्ट बाय दिस टाइम, विल यू हैव टेकन योर टेस्ट बाय दिस टाइम, फिर से सुनिएगा, विल यू हैव टेकन योर टेस्ट बाय दिस टाइम, इसका हिंदी क्या होगा? क्या कल इस समय तक तुम परीक्षा दे चुके होगे? समझ में आ रही है सभी को? ओके, तो मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ इंग्लिश में, आपको उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, ठीक है, बोलिएगा, ओके, विल यू हैव टेकन योर टेस्ट बाय दिस टाइम, क्या तुम कल इस समय तक परीक्षा दे चुके होगे? मैं फिर बोल रहा हूँ, फिर बोलिएगा, Will you have taken your test by this time? Very good. क्या कल उस समय तक तुम परीक्षा दे चुके होंगे? Will you have taken your test by this time? Okay, the next sentence is क्या तुम्हारा भाई कनाडा से आ चुका होगा? Will you have returned from Canada? Canada को Canada बोलते हैं, CANADA, क्या बोलते हैं? जहां से एनआरआई आते हैं ना, एनआरआई, एनआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन रेसिडेंट इंडियन, नॉट रेसिडेंट इंडियन, ओके, क्या तुम्हारा भाई कनाडा से आ चुका होगा? तो कैसे बोलेंगे? विल योर ब्रदर हैव रिटर्न फ्रॉम कनाडा? योर आंसर इज नहीं, वह कनाडा से नहीं आ चुका होगा। No, he won't have. सीधा सा एकदम समझ लेना है छोटे संदर्भ में। No, he won't
हैव विल नॉट को क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में वॉन्ट हैव है फ्यूचर परफेक्ट टेंस है हैव तो लगेगा ही लगेगा तो नो ही वॉन्ट हैव तो वॉन्ट को परिभाग करते बराबर दो तीन सेंटेंसेस है आप लोग को बोलना है ठीक है मैं हिंदी भी बोलूंगा इंग्लिश भी बोलूंगा आप लोग को मिक्स करके बोलना फर्स्ट सेंटेंस है क्या वह जा चुकी होगी विल शी हैव गॉन तो आंसर इज नहीं नो शी वॉन्ट हैव क्या तुम अगले महीने तक कालका से आ चुके होगे वेरी गुड विल यू हैव कम बैक फ्रॉम कालका बाय नेक्स्ट मंथ अच्छा एक मिनट मैं बोलता हूँ यस आई विल हैव कम बैक बाय देन हाँ मैं इस समय तक वहां से आज तक होऊंगा मैंने सेंटेंस इज क्या कल इस समय तक तुम परीक्षा दे चुके होगे विल यू हैव सेकंड अटेम्प्ट राजेश हाँ मैं अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त कर चुका होगा धनी सेंटेंस क्या तुम्हारा भाई कनाडा से आज का होगा रिटर्न फ्रॉम कनाडा योर आंसर इज नहीं वह कनाडा से नहीं आज का होगा नो यू वॉन्ट हैव क्लियर आखिरी क्लास समझ नहीं आई होप समझ में आ गई बहुत सिंपल बहुत बच्चा वाला सेंटेंस था हम बहुत धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं इस चीज को ठीक है तो आज इस चीज को देख लीजिएगा कल हम लोग फिर भाई आगे पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस को क्लियर आखिरी क्लास में कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं ठीक है थैंक यू।